हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्विकाज मॉम किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पनीर बटर मसाले की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस ये सब्जी बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम ये टेस्टी सी जो सब्जी है ना, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने रखा एक पैन और मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। एक मैं दालचीनी ऐड कर रही हूँ, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची मैं ऐड कर रही हूँ, 2 लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 तेज़पत्ता को मैं इसे तोड़ के ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे 4 से 5 मैं लौंग और 5-7 मैं यहाँ पे काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 10-12 मैं लहसुन की कलियों को ऐड कर रही हूँ और सबको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। एक मैंने प्याज को बहुत ही रफली चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। हल्का सा जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर को मैंने ऐसे ऐसे पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। तब इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और मिक्स करके इसमें 1/2 कप मैं पानी ऐड करूँगी और इसको ढक के हमको 5 मिनट तक कुक करना है ताकि जो हमारा प्याज और ये टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, जो हमारे मसाले और जो ये प्याज टमाटर हमने इसको भून के डाला था वो अच्छे से मैश हो रहे हैं। ऐसे देखिए, प्रेस करने पे मैश हो जा रहे हैं। तो अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब लेंगे हम एक ग्राइंडर जार। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है और जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया है इसको हम एक अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो हम गैस की तरफ चलते हैं। तो मैंने गैस पे रखा है एक कढ़ाई और मैं ये बटर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 बटर के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये हम पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो इसलिए बटर आप जितना चाहे उतना। देखिए, इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे पनीर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और मैंने इसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। तो इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो ग्रेवी है वो पनीर के अंदर तक चला जाए। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, जो हमारा पनीर है वो बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं बारीक कटा हुआ यहाँ पे हरी धनिया मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम मसाला भुने थे प्याज और टमाटर तो उस समय भी मैंने नमक डाला था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।